आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। और बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। जी हां, बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है और इसमें किन बड़े जो है नेता उनको जो है टिकट मिला है और इन सभी विषय पे हम चर्चा करेंगे और क्या कुछ सूची में क्या कुछ जो है मेन बातें हैं इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन सभी बातों पर जो है बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वॉइस ऑफ एमपी के चीफ एडिटर नवीन जी पाटीदार, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इस सूची में खास है। जी नवीन जी, बताइए क्या सूची में खास है। जी राधा, सही कहा आपने। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले हमने आपको एक अपडेट दी थी अपने दर्शकों को, किस तरीके से जो है चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके बाद कभी भी सूची आ सकती है और संभावित नाम लगातार वॉइस एमपी की टीम बता रही थी कि इन उम्मीदवारों को जिस तरीके से चर्चाओं में उन पर पार्टी अपनी मोहर लगा सकती है, तो उसमें अगर बात करें तो उन तमाम जो संभावित नाम थे उस पर वॉइस एमपी की टीम और वॉइस एमपी की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी। जिस तरीके से अगर बात करें तो यशपाल सिंह की बात की जाए या फिर चेतन कश्यप की बात की जाए, बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, फिर नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए, तो इन तमाम बड़े नामों को हमने जो है बारीकी से बताया था कि ये नाम जो है चर्चाओं में, चाहे बात करें ओम प्रकाश सकलेजा की बात करें, जगदीश देवड़ा की बात करें, हरदीप सिंह डंग की बात करें, तो ये संभावित नाम हमने बताए थे और उन पर मोहर लगी है। अगर आप सूची को बारीकी से समझे किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रणनीति तैयार कर रही है, किस तरीके से लगातार जो है चुनावों में जीत हासिल करने के लिए मेहनत की जा रही है, दिल्ली किस तरीके से नजर बनाए हुए, इस सूची समझा जा सकता है कि कितनी बारीकी से काम किया जा रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। अगर हम इस सूची को समझे तो चौथी सूची में लगभग 57 नामों का ऐलान किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात रही कि 24 मंत्रियों को फिर से मैदान में उतारा है इस सूची में। जिस तरीके से जो नाम सामने आए, 24 मंत्री जो है उनको एक बार फिर मौका दिया गया, उनको मैदान में उतारा है। जिस तरीके से अगर बात करें तो खासकर बात करें तो कांग्रेस की जो 39 सीटें जहां पर कांग्रेस का कब्जा है, वहां पर उन उम्मीदवारों को ऐलान किया गया ताकि कांग्रेस को फाइट दी जा सके और यहां पर इन सीटों पर जीत हासिल किया जा सके। इसलिए जो है इस तरह की रणनीति तैयार करके यहां पर उम्मीदवार उतारे गए और जो 24 मंत्री हैं उनको एक बार फिर मैदान में उतारा। साथ ही अगर बात करें तो 12 नए चेहरे यहाँ पर एक बार फिर मैदान में, और कहा जा रहा था कि गुजरात फार्मूला लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो सूची जारी की गई उसमें कहीं गुजरात फार्मूला लागू होता नहीं दिख रहा। एक बार फिर पार्टी और हाई कमान जो दिल्ली है वे चाहता है कि एक बार फिर इनको मौका दिया जाए और यहाँ पर जीत हासिल की जाए। जो फीडबैक आ रहा था, जिस तरीके सर्वे कराया गया था, उस सर्वे के आधार पर टिकट वितरण की बात जो निकल के आ रही थी, ऐसा माना जा रहा है कि इनका एक बार फिर रिजल्ट अच्छा रहा है, इसलिए इनको मौका दिया है। साथ ही और बात करें तो जिस तरीके से 39 सीटों पर नाम घोषित पहले हो चुके हैं, जहां पर 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को मौका दिया गया था, जिसमें कैलाश वर्गीय का नाम शामिल था, जिसमें अगर बात करें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम शामिल था, कैलाश पटेल का नाम शामिल था, और ये जो दिग्गज नेता थे, जो केंद्र के नेता है, उनको मध्यप्रदेश की विधानसभा चुनाव में उतारा था। और ऐसा माना जा रहा था कि और भी कई नेताओं को मैदान में उतारा जा सकता है, और भी सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन चौथी सूची में केंद्र के बड़े नेता तो कहीं दिखे नहीं, सांसद का नाम नहीं दिखा, लेकिन जो वर्तमान में जो मंत्री रह चुके हैं उन मंत्रियों को एक बार फिर मौका दिया गया। साथ ही अगर बात करें तो और भी बारीकी से इसको समझे तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले 39-39 करके 2 सूची जारी की थी, उसके बाद 1 सिंगल सूची जारी की थी, और तकरीबन अगर बात करें तो 79 नामों का ऐलान कर दिया गया था, उसके बाद आज 57 नामों का और ऐलान कर दिया, तो कुल मिलाकर 230 सीटों में से तकरीबन 136 सीटों पर नाम ऐलान कर दिए हैं। उसी के साथ अगर बात करें तो इस सूची में एक खास और ये देखा गया कि सिंधिया का कहीं ना कहीं सूची में दबदबा दिखा गया, उनके समर्थकों को यहाँ पर मैदान में उतारा। अगर बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत को मैदान में उतारा है, साथ ही प्रद्युमन सिंह तोमर को यहाँ से मैदान में उतारा, बिसाऊलाल सिंह को यहाँ से मैदान में उतारा, प्रभुलाल चौधरी को मैदान में उतारा है, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को मैदान में उतारा है, हरदीप सिंह डंग को सुवासरा से वापस रिपीट किया गया, जिस तरीके से उपचुनाव में इनको टिकट दिया गया था, उसके बाद फिर ये मंत्री बने और एक बार फिर इन पर दाव खेला, यानी 24 जो मंत्री थे उनको मैदान में उतारा। जिस तरीके से अगर बात करें तो ओम प्रकाश सकलेजा जो जावत से विधायक है उनको वापस रिपीट किया गया, उनका नाम चल रहा था कि उनकी सीट बदली जा सकती है, लेकिन उनको वापस वहाँ से जो है मौका दिया गया। तो इसमें बात करें तो पूर्व मंत्रियों के ऊपर दाव खेला गया। साथ ही जिस तरीके से दिग्गज नेताओं की बात करें तो दिग्गज नेताओं में जिस तरीके से रमेश मेंदोला जो है वे लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, इंदौर 2 से उनको मैदान में उतारा है, जिस तरीके से अगर बात करें तो उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव को यहाँ से मैदान में उतारा, रतलाम से चेतन कश्यप को यहाँ से मैदान में उतारा, मंदसौर से यशपाल सिंह सिसोदिया को, मलालगढ़ से जगदीश देवड़ा को, सुवासरा से हरदीप सिंह डंग को, जावत से ओम प्रकाश सकलेचा को, ये जो बड़े नाम है इनको मैदान में उतारा। जैसे बात करें तो
सुर्खी से गोविंद सिंह का नाम भी सामने आया, दतिया से नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने आया। तो ये बड़े बड़े नाम है, जैसे बात करें बुधनी से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का नाम है, बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जो सिंधिया समर्थक उनका नाम है। तो राधा कहीं ना कहीं जो है सूची में इस बार पूर्व जो मंत्री रहे हैं उनको, जो मंत्री थे शिवराज सरकार में, उनको 24 मंत्रियों को एक बार फिर दाव खेला और उनको मैदान में उतारा। राधा जी, कांग्रेस की सूची को लेकर क्या कुछ अपडेट है? राधा अगर बात की जाए तो आज चुनाव आयोग ने जिस तरीके तारीखों का ऐलान कर दिया तो माना जा रहा है कि अब कांग्रेस को मजबूरन जो है जल्द से जल्द सूची जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी खेल रही है चुनावी रण में और जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, पहली सूची, दूसरी सूची, सिंगल नाम की तीसरी सूची और चौथी नाम की जो सूची उतारी जिसमें पूर्व जो मंत्री हैं 24 मंत्रियों को मैदान में उतारा है, 12 नए चेहरों को मैदान में उतारा है, सिंधिया समर्थकों को मैदान में दिया उतारा है, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि उसको सबसे पहले ही सूची जारी करना अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी रणनीति के साथ खेल रही है। तो कांग्रेस को इस रणनीति को तोड़ने के लिए भी जो है सूची जारी करनी पड़ेगी और जो उम्मीदवार है उनको मैदान में उतारना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं जो सूची जारी हो जाएगी तो उसके बाद विरोध के स्वर ना उतर सामने आए, क्योंकि एक जगह से कांग्रेस की सूची में 12-12 नाम है, 15-15 नाम है, दावेदारों की फौज है कांग्रेस के सामने। और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर सरपरी हाई कमानी सब कुछ होता है, भले कि नाम कितने और अगर दिल्ली फैसला ले लेती है तो उसके बाद सिंगल नाम पर ही खेलना पड़ता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन को लेकर कोई चुनौती नहीं है, तो यहाँ पर आपसी रणनीति को लेकर जो है कांग्रेस में बड़ी चुनौती है। तो इसलिए कांग्रेस कहीं ना कहीं घबरा रही है और सिंगल नामों को लेकर फैसला नहीं ले पा रही। लगातार दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, हर रोज सुनने में आ रहा है कि कभी भी सूची जारी हो सकती है, लेकिन चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका था, अब कभी भी सूची आ सकती है। तो ये था अपडेट किस तरीके से सूची में जो है बीजेपी ने अपने नामों पर जो है किया है और हमने विस्तार से जाना। लगातार ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।